सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। कैसे आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान टूर ऑफ श्रीलंका 2023 के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस, मैच, सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 2 जून को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग के 10 बजे यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी महिंदा राजापक्सा इंटरनेशनल स्टेडियम हेम्बनतोता श्रीलंका में। अब बात करते हैं दोनों टीमों का, टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वही पहली टीम श्रीलंका की बात करें तो जहां 5 के 5 मैच अपना हार के आ रही, वहीं दूसरी टीम अगर अफगानिस्तान की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही है और 1 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे 4 मैच से अफगानिस्तान आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पर श्रीलंका 4 मैच जीत के आ रही है तो वहीं अफगानिस्तान 2 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो यहाँ पर श्रीलंका 2 मैच से आगे चल रही है। तो ये रहे दोनों टीमों का हेड टू हेड। पर तो फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहाँ पर श्रीलंका का 30% देखने को मिल रहा है, तो वहीं अफगानिस्तान का 70% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो श्रीलंका का 208 है तो वहीं अफगानिस्तान का 236 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो श्रीलंका का 314 है तो वहीं अफगानिस्तान का 313 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो श्रीलंका का 73 है तो वहीं अफगानिस्तान का 137 है। तो ये रहे दो टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपेरिजन के भी मामले में अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो मोस्टली क्लाउडी यानी मौसम थोड़ी सी ख़राब भी हो सकती है। अगर वहीं सेल्सियस की बात की जाए तो 32.2 डिग्री सेल्सियस रहेगी। ह्यूमिडिटी देखें तो 66% और वहीं अगर वर्षा होने की चांसेस की बात करें तो 65% रहने वाली है। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच पे अभी तक टोटल 21 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे 250-55 रन में भी जा सकते हैं। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में इस पिच पर रन थोड़ी सी कम सकती है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रख सकती है, क्योंकि डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बट अगर अपोजिट टीम अगर स्ट्रांग होती है चेस करने वाली तो वो मैच भी चेस कर सकती है। तो यह ODI का फर्स्ट मैच खेला जाएगा, जो दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम श्रीलंका की बात करें, नो डाउट अच्छी टीम है, बट यहाँ पे श्रीलंका को अपना बैटिंग सुधारने की ज़रूरत है। वहीं अगर अगेंस्ट टीम अफगानिस्तान की बात करें, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी धमाकेदार होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटिक विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वही बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम श्रीलंका के की प्लेयर की बात करें तो धर्शन सनाका, कुशल मैंडिस, धनंजय दे सिल्वा, चैत असलंका। वहीं दूसरी टीम अफगानिस्तान के की प्लेयर की बात करें तो रमनुल्ला गुरबाज, राशिद खान, रियाज हुसैन, मोहम्मद नबी। ये तो ये ना दो टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए अफगानिस्तान हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन।